मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में एक अनोखी चोरी का मामला सामने आया है, जहां बेटे ने 53 लाख रुपए की चोरी का प्रकरण दर्ज कराया। तो वहीं पुलिस ने फरियादी के पिता को ही गिरफ्तार कर 19 लाख और सोने चांदी के जेवरात बरामद कर लिए। पुलिस का कहना है कि प्रॉपर्टी की ब्रोकरी और उधारी के रुपयों से बचने के लिए रचा था चोरी का शातिराना तरीका, जिस पर से पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी हुई है। दरअसल मामला यह है कि द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में रहने वाले अनमोल पाटिल द्वारा प्रकरण दर्ज कराया गया था कि वह अपनी नानी के घर पर गए हुए थे और जब वह घर पर लौटे तो उनकी अलमारी का दरवाजा टूटा हुआ था और अलमारी में रखे हुए 53 लाख रुपए और सोने चांदी के जेवरात चोरी हो गए। पुलिस ने प्राथमिक रूप से जांच पड़ताल करने के बाद फरियादी के कहे अनुसार चोरी सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया और आसपास लगे तमाम सीसीटीवी फुटेज और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के आधार पर चोरी का खुलासा किया है, जिसमें एडिशनल डीसीपी अभिनव विश्वकर्मा द्वारा बताया गया कि चोर और कोई नहीं फरियादी का पिता ही निकला, जो कि ब्रोकर और प्रॉपर्टी का व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। ब्रोकरी के रुपए और उधारी के रुपए से बचने के लिए उन्होंने स्वयं के घर में चोरी की साजिश रची थी और पूरे मामले में बचने का प्रयास किया था, लेकिन तमाम तथ्य और सबूत के आधार पर पुलिस ने फरियादी बेटा अनमोल पाटिल के पिता संजय पाटिल को गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से 19 लाख रुपए सहित सोने चांदी के जेवरात भी बरामद कर लिए हैं और इसी आधार पर पुलिस उनसे पूछताछ में जुटी हुई है। द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में विगत दिनों में एक मामला सामने आया, जिसमें फरियादी अनमोल पाटिल है, जिसने ये बताया कि उसके पिता की अचानक तबीयत खराब होने पर वे गांव से जब वापस लौट के आए तो उन्होंने ये पाया कि उनके घर में ताला टूटा हुआ था और जो अलमारियां मौजूद थी उसके भी ताले टूटे हुए थे और उस अलमारी के अंदर रखा हुआ नकदी और कुछ सोने और चांदी के जेवर वो गायब थे। इस पर से पूछताछ करने पर उनके द्वारा एक लगभग अनुमान बताया गया, लगभग 53 लाख रुपए की नकदी जो उसके अकाउंट अलमारी में रखी हुई थी वो गायब है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए 3-4 टीमें बनाई गई और सभी एंगलों पे इसमें विवेचना करी गई। विवेचना के दौरान में इनके पास ये पैसा कहाँ से आया था, किन किन मात्रा माध्यम से आया था और कितना आया था, इसके संबंध में पूछताछ करी गई। पूछताछ के दौरान में सामने आया कि इनके पास में ये जो फरियादी के पिता हैं संजय पाटिल, वो रियल एस्टेट में सौदे का काम करते हैं और लगातार कई प्रॉपर्टी के सौदे करके उसको ऊंचे दामों पे दूसरे लोगों को बेचते हैं। इस तरह से उसकी लगभग 5 से 6 रियल एस्टेट की डील्स जो थी, जो करेंटली चालू थी, वो सामने आई, जिसमें ये पाया गया कि इसने कई लोगों से डील्स के पैसे लिए हैं और कई लोगों को बयाना राशि दी हुई है। तो बयाना राशि बची हुई कई लोगों को ना देने पड़े और जो पैसा इसके पास आया है वो छल करके अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर ले, इसलिए इस प्रकार से इसने ये घटनाक्रम झूठा रचा, जिसमें उसने स्वयं बताया कि लोकल मार्केट से जाके उसने एक लंबा लोहे का सरिया टामी जैसा लिया, उसके माध्यम से दरवाजे को तोड़ा रात में और अलमारी को भी क्षतिग्रस्त किया और जो पैसा उसके अंदर रखा हुआ था उसने अपने साथी दरानों को वितरित करके उस पैसे को गायब कर दिया और चोरी की रिपोर्ट करवाई। इस पर से लगभग 19 लाख रुपए का मशरूका जो है बताए गए सूत्रों से हमने जब्त किया है और इसमें गिरफ्तारी करके आगे विवेचना की जा रही है। तो फरियादी के द्वारा 53 लाख से अधिक की चोरी का मशरूका जिसके बाद अभी जब पूछताछ के दौरान जो चीजें सामने आई उसमें कुल पूरा 53 लाख की पुष्टि नहीं हो पाई थी। पूछताछ में 2-3 डील्स थी जिसमें इसने किसी में 5 लाख रुपए बयाना दिया था, किसी में 2.5 लाख रुपए बयाना दिया था, कुछ एक डील थी एक वहीं आस पास में रहने वाले एक परशुराम करके व्यक्ति हैं जिनसे मकान का सौदा करके इन्होंने 5 लाख रुपए दिए थे उसको और उसी मकान को किसी तीसरे व्यक्ति को बेच करके 46 लाख में सौदा किया था, जिसके जो बचे हुए 35 लाख थे वो इनको देने थे। इस प्रकार से लगभग 35-40 लाख की पुष्टि हो पाई थी, जिसमें से अभी 19 लाख बरामद हो पाया है। पूछताछ जारी है, अन्य रुपयों की भी बरामद भी जल्द से जल्द की जाएगी। सर, इससे क्या बैकग्राउंड है और इसके दिमाग में क्यों आया ऐसा विचार? चूंकि ये जो आरोपी है ये रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी डीलिंग्स का काम करता है और ये लगातार एक समय पे 5 से 6 डील्स कंटिन्यू करता है, तो उसको उस पैसे का फायदा मिल जाए, एक डील में पैसा लगा दिया जाए और जो जिसको पैसा देना है उसको पैसा ना देना पड़े, तो इस प्रकार से आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए उसने इस प्रकार से छल रचा था। पुलिस को कैसे पता चला, मतलब कैसे करके इसकी पूरी प्लानिंग करी और पता चला कि ये यही चोर है? जी, क्योंकि घटना काफी सनसनीखेज थी, इसमें
घटना स्थल था उसका बहुत ही बारीकी से निरीक्षण किया गया, फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया, वहां पर फोटोग्राफ्स कराए गए, डॉग स्क्वाड को बुलवाया गया था, फिंगरप्रिंट टीम को बुलवाया गया था। घटना स्थल के कुछ साक्ष्य ऐसे मौजूद प्राप्त हुए थे जो कि घटना से विरोधाभास उत्पन्न कर रहे थे, जैसे कि दरवाजे पे लगा हुआ अंदर से निशान था और अन्य कोई साक्ष्य थे जो घटना को विरोधाभास प्रस्तुत कर रहे थे। तो वहां से एक शक जाहिर हुआ था और उसके बाद में जितने भी लोगों से इसके पैसों का लेन देन है उससे पूछताछ करने पर, पुष्टि होने पर ये चीज कहीं ना कहीं सामने आई कि इसमें घटना में कुछ ना कुछ संदेह है, और फिर कड़ाई से पूछताछ करने पर उनके द्वारा ये कबूल किया गया कि ये घटनाक्रम झूठा रचा गया था। ये घटनाक्रम आरोपी ने स्वयं अकेले ही रात में किया और अपने परिवार को जानबूझ करके गांव भेज दिया था, ये बिना बताए कि वो क्या करने वाला है, और अकेले ही उसने घटनाक्रम को अंजाम दिया था। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।